तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पर स्पाइस मनी के द्वारा किसी भी बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आप ए पी एस के द्वारा आप स्पाइस मनी पर किसी भी बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं और उसे कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अपने हमारे चैनल टेक्निकल हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर देना है। सेम तरीके से आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो ओटीपी आएगा उसे एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तब आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा सर्विसेज मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर मिल जाता है आपको ट्रेवल यूनियन, या फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है केआर, एपीएस, फिनो ट्रांसफ़र, भारत बिल पे, मोबाइल रिचार्ज, वाई बी एल, डीएमटी, काफ़ी सारा यहाँ पर सर्विस आपको मिल जाता है। और नीचे आपको मिल जाता है LIC, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, DTH, यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्क्रॉल अप कर लेना है और आपको चले जाना है ऊपर, जो APS लिख के आपको सर्विस मिल जाता है। तो यहाँ से आपको स्क्रॉल अप कर लेना है और ऊपर आपको मिल जाता है APS, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर कैश विड्रॉल का ऑप्शन। तो यहाँ पर कैश विड्रॉल पर जाके आपको मिनी स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर कस्टमर का एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का जो आधार नंबर है उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी बैंक का है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर स्कैन फिंगरप्रिंट एंड सबमिट। तो यहाँ पर आपको स्कैन फिंगरप्रिंट यहाँ पर देख सकते हैं, पुट योर फिंगर, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस पर फिंगर डाल के आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद कुछ समय लगेगा प्रोसेसिंग पर। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट अकाउंट का निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप कस्टमर को ये अकाउंट का जो स्टेटमेंट है उसे आप कंट्रोल पी करके उसे प्रिंट करके आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इजीली आप अपने मोबाइल पर ही किसी भी बैंक अकाउंट का जो स्पाइस मनी का जो रिटेलर ऐप है उसके द्वारा आप किसी भी बैंक अकाउंट का APS स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल टेक्निकल हेल्प को सब्सक्राइब करके रख देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।